इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस बेस्ड कोचिंग होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उधर अभी भी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें ठीक होने वाली हैं, और मैं कोशिश करता था कि वो भी साथ साथ करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था वहाँ। फिर थोड़ी सी ट्यूनिंग के साथ हम लेके चल रहे थे, लेकिन ये जो लेवल अंडर 19 का, इसमें लड़के बहुत गौर से सुनते हैं और उसको लर्न करते हैं। ये बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने का। अगर आप मेरे कोई 10-12 साल पहले के इंटरव्यू सुने तो मैं उस वक्त भी ये बात करता था कि हम जितने भी बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनको निचले लेवल पे काम करना चाहिए, ताकि यही वो लड़के हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान को आगे सर्व करना है। ये हमारा रॉ मटेरियल है, जितना अच्छा मटेरियल हमारा ये होगा, हमारी पाकिस्तान टीम उतनी ही अच्छी होगी। और ये इस लेवल पे बच्चे बात सुनते भी हैं, उसको लर्न करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, प्रैक्टिस में भी, मैच में भी। जैसे आप देख रहे हैं आखिरी 2 मैचेस जो हमने अभी खेले हैं, उसमें लड़कों ने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है, और जिससे इनको भी फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। देखिए, जब ये लोग रन्स करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, आउट करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जब पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो दुनिया में नाम भी होगा पाकिस्तान का, इन प्लेयर्स का भी नाम होगा। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए हम सब का, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम सब 15 प्लेयर हैं, 8-10 हम कोचिंग स्टाफ हैं, इंक्लूडिंग आप हैं अलग, आप जो आप भी एक पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, हम सब एक टीम है जो 25-26 लोग आए हैं। हम सब का ये मकसद होना चाहिए कि हमारे ये लड़के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम नंबर 1 होगी, पाकिस्तान जो ए टीम है, जो बड़ी टीम है, वो नंबर 1 बनेगी। तो इसके लिए हम सब ने मिलके मेहनत करनी है, हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बतानी है और डेमो करके भी दिखाना है, ताकि इनको लगे कि हाँ ये हो सकता है। बास का माइंड में ये होता है कि यार ये बता रहे हैं, ये होगा कैसे, इसलिए मैं इनको करके दिखाता हूँ पहले, और वो इनके लिए फिर आसान हो जाता है। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, बातें करना बहुत आसान है, कोई भी आके बात कर सकता है, इधर खड़े होकर बात कर सकता है, ग्राउंड में खड़े होकर बात कर सकता है, लेकिन वो चीज़ करनी कैसे है ये वही बता सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा होगा, जिसने ये चीज़ें की होंगी। तो इसलिए मुझे अजय और इनको भी फ़ायदा है इस चीज़ का कि मैं ये चीज़ें इनको करके दिखाता हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें अल्लाह ने सलाहियत दी है, और पाकिस्तान ने मौका दिया था कि उसको मैं पूरी दुनिया में एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, जिससे आज मेरी कोशिश है कि जो अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं मैं इन बच्चों में ट्रांसफ़र करूं, और ये अच्छे तरीके से इन चीज़ों को ले रहे हैं। ये खुशी की बात है, हार जीत गेम का हिस्सा है, परफॉर्मेंस होना ना होना ये भी गेम का हिस्सा है, लेकिन ये जो लर्न कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से बात सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है।